के साथ हिसार से आ रही ये बड़ी खबर। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले दो दिन में करेंगे 14 सभाएं। 30-31 अक्टूबर को भी आदमपुर में ही चुनाव प्रचार करेंगे भूपेंद्र हुड्डा। तो 30-31 तारीख को 14 जनसभाएं करने वाले हैं भूपेंद्र हुड्डा। दो दिन में करेंगे 14 जनसभाएं। 30 और 31 अक्टूबर को आदमपुर में ही चुनाव प्रचार के लिए रहने वाले हैं भूपेंद्र हुड्डा। अमित वर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित, जरा बताएं किस प्रकार से जो है कार्यक्रम तय किया गया है चुनाव प्रचार में, कौन कौन जो है कांग्रेस के स्टार प्रचारक पहुंचने वाले हैं दो दिन के अंदर, 14 जनसभाएं भूपेंद्र हुड्डा अकेले करेंगे। जी बिल्कुल, आदमपुर जैसे वैसे करेंगे। दस को बड़े बड़े दिग्गज भी मैदान में उतर चुके, उसी को देखते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो दिन के अंदर यहाँ पर 14 जनसभा को संबोधित करेंगे। आज की बात किया तो आज केवल 8 जनसभा को संबोधित करेंगे, कल की बात किया तो लगातार कल गांव के अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे और 30 और 31 अक्टूबर को भी आदमपुर के अंदर गांव गांव डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत आदमपुर चुनाव में झोंक दी गई है। और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार पिछले 4 दिन से लगातार आदमपुर में डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। जी अमित, जरा बताएं किस तरह से जो है कांग्रेस नेताओं ने जो इस वक्त डेरा जमाया हुआ है आदमपुर के अंदर, और कौन कौन इस वक्त चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं या उतरने वाले हैं। जी अभी इस आदमपुर चुनाव की बात किया तो कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। आदमपुर की बात किया तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय बाम भी यहाँ पर आदमपुर के अंदर डेरा जमाए हुए हैं। और अभी तक बात किया तो कांग्रेस के सामने लगातार गुटबाजी भी लगातार सामने आ रही है। ना ही अभी तक किरण चौधरी आई है मैदान के अंदर और ना ही कुमार शैलजा और ना ही अभी तक और कोई बड़ा नेता कांग्रेस की तरफ से प्रचार के लिए नहीं पहुंचा, जिसको लेकर आदमपुर में कांग्रेस की लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी अभी कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अंदर मैं नहीं 3 आदमी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय बानी यहाँ पर आदमपुर चुनाव के लिए लगातार चुनाव मैदान में। इसके अलावा कोई भी बड़ा नेता आदमपुर चुनाव के लिए प्रचार के लिए मौके पर नहीं पहुंचा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं इस वक्त चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। 30 और 31 अक्टूबर को आदमपुर में ही चुनाव प्रचार करने वाले हैं भूपेंद्र हुड्डा। 14 जनसभाएं इन दो दिन के अंदर भूपेंद्र हुड्डा करेंगे आदमपुर उपचुनाव में।